हे दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया। तो दोस्तों, आप अगर चैनल पर नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को फॉर द जेन्युइन एंड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों, आज हैप्पीएस्ट माइंड आईपीओ का सेकंड डे है और रिटेल इन्वेस्टर ने दबा के अप्लाई किया। दोस्तों, एकदम दबा के अप्लाई किया रिटेल इन्वेस्टर ने। लगभग 39 टाइम सब्सक्रिप्शन हुआ है रिटेल इन्वेस्टर की कैटेगरी पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम और भी जानेंगे कि अभी हैप्पीएस्ट माइंड आईपीओ का कितना प्राइस चल रहा है, ग्रे मार्केट में कितना प्रीमियम पे चल रहा है, मतलब डब्बा बाज़ार में कितना प्रीमियम पे प्राइस चल रहा है हैप्पीएस्ट माइंड का। और उसके साथ भी ये भी जानेंगे कि आपको लिस्टिंग गेन कितना मिलता है अगर आपको अलॉट हो जाता है। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं डिटेल्स के ऊपर। देख सकते हैं दोस्तों, मैं आ गया हूँ हैप्पीएस्ट माइंड आईपीओ सब्सक्रिप्शन लाइव। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, आज अभी तो क्यूआईबी एंट्री भी नहीं लिया। देख सकते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के यहाँ पे लगभग 0.47 टाइम्स। अभी तो बड़े प्लेयर आना बाकी है दोस्तों। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की कैटेगरी लगभग 4 टाइम्स हो चुका है। बट रिटेल इन्वेस्टर देखिए दोस्तों, 38.85, लगभग 39 टाइम्स। कैन यू इमेजिन, मतलब लास्ट जो बड़ा आईपीओ आया था एसबीआई कार्ड में भी, मुझे याद है, अच्छे से याद है, सेकेंड डे पे 39 टाइम सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ था रिटेल इन्वेस्टर की कैटेगरी पे पर्टिकुलर। तो दोस्तों, अभी तो बहुत ही बढ़िया खेल बाकी है, क्योंकि कल इस हैप्पीएस्ट माइंड आईपीओ का लास्ट डे है और अभी बड़े प्लेयर एंट्री लेना बाकी है, क्यूआईबी और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये दो बड़े प्लेयर की कल एंट्री होगा, तो मुझे लगता है कि हैप्पीएस्ट माइंड आईपीओ को लगभग 80 से 100 गुना सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, 80 गुना के तो नीचे नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर 80 गुना सब्सक्रिप्शन हो गया, 80 गुना के नीचे तो नहीं होगा, तो अभी हैप्पीएस्ट माइंड आईपीओ का जो ग्रे मार्केट में प्राइस चल रहा है, डब्बा बाज़ार में जो प्राइस चल रहा है, वो है लगभग 120 से 130 रुपये की प्रीमियम पे चल रहा है। तो दोस्तों, अगर ये सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाता है, अलॉट हो जाता है आपको, तो दोस्तों आपका तो एकदम लिस्टिंग पे ही बहुत बड़ा लिस्टिंग गेन मिल जाएगा। लगभग 60 से 70% लिस्टिंग गेन ही मिल जाएगा आपको। आईपीओ का साइज़ है, आईपीओ का जो प्राइस है 165, और इस पे अगर आपको 120 का प्रीमियम लगता है दोस्तों, तो हो जाता है आपका 285, मतलब 280 से 290 रुपये तो आपका लिस्टिंग की देनी। लगभग 60 से 70% आपको लिस्टिंग गेन मिल जाएगा दोस्तों, अगर सिचुएशन सब सही रहा तो। मतलब अगर यहाँ पे अभी जो इंडिया चाइना जो बॉर्डर टेंशन चल रहा है, उसके साथ साथ तो लोन मॉनिटोरियम के लेके भी बाज़ार थोड़ा डाउन चल रहा है आज कुछ दिनों से, तो अगर मार्केट सब ठीक ठाक रहा तो आपको बहुत बढ़िया लिस्टिंग गेन मिल जाएगा अगर आपको ये शेयर अलॉट हो जाता है तो। तो दोस्तों, कल अभी बाकी है, खेल अभी बाकी है दोस्तों, अभी तो बस शुरुआत हुआ है आज सेकेंड डे का। रिटेल इन्वेस्टर ने बहुत बड़ा दांव खेल दिया रिटेल इन्वेस्टर ने, बट अभी तो बड़े प्लेयर का आना एंट्री का बाकी है दोस्तों। तो अभी देखते हैं लास्ट, कल भी हम वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर फाइनल डे का। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।